नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक बात पर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सजल मस्की के नेतृत्व में संगठन ने 1 अप्रैल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग की है। कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2004 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 को भाजपा सरकार ने प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग में एक योजना लागू की थी, जिसमें कर्मचारियों को 1 मुश्त करोड़ रुपए और सम्मानजनक पेंशन प्राप्त होने के आंकड़े दर्शाए गए थे, किंतु वर्तमान में शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर पेंशन स्वरूप दी जाने वाली राशि 501,000 और अधिकतम 1,200 रुपए प्राप्त हो रही है, जो वर्तमान में महंगाई के दौर में नाकाफी है। देश में सरकारों की अकुशलता के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया है और नई पेंशन योजना में कर्मचारी मूर्ख बनकर रह गए हैं। चूंकि ये योजना 1 अप्रैल को लागू की गई थी, इसलिए 1 अप्रैल को ही मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने मूर्ख दिवस मनाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है।